हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल देसी नीर सेवन। और आप लोग कैसे हो कमेंट करके बताना। मैं बिल्कुल बढ़िया। अभी के टाइम 7:33 हो चुके हैं। आज मैं रनिंग के लिए बहुत ज्यादा लेट हूँ, क्योंकि आमतौर पे मैं रनिंग के लिए आ जाता हूँ 6:30 से पहले मैं रनिंग कर लेता हूँ, और आज हो चुके 7:30, क्योंकि एक तो मैं उठा था लेट, और दूसरी बात अभी आपको दिख रहा होगा ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे दौड़ना ठीक नहीं है। घर पे वापिस चलते हैं, थोड़े है पसीने तो निकल आए, घर पे जाके वर्कआउट करेंगे, मतलब जिम में जाके वर्कआउट करेंगे और फिर ज्यादा पसीने निकालेंगे और फिर करेंगे दिन की शुरुआत घर के कामों के साथ। घर पे क्या क्या काम है सारे करने आज मेरे को, शायद आज मैं कहीं बाहर भी जा सकता हूँ, देखते हैं जो होता है। चलो यहाँ बैठ के ज्यादा बात नहीं करते, चलते हैं। आज वापिस आ चुके हैं भाई हमारे एरिया में। ये देख लो साइड ग्राउंड रहा, और हमारा घर तो आपको पता ही होगा, वो रहा इन झाड़ियों के पीछे हमारा घर है। और टाइम भी आज काफी लेट हो गया, मेरे ताऊ ताई भी खेत में गए, और कल तो भाई सारे दिन में खेत में था, इसलिए वो लोग शूट नहीं किया, क्योंकि अकेला लगा हुआ बहुत ज्यादा तंग हो गया था, सारा भीग गया था। उसके बाद मैं दादरी चला गया, दादरी कुछ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए गया था, जिसकी बाइक का रिव्यू बनाने गया था, उसकी बाइक हो गई थी पंचर, तो फिर वो काम हो नहीं पाया, परंतु 2-3 शॉर्ट्स निकाल लाया था मैं डिसएडवांटेज के। अभी के टाइम हो गए 7:45, अभी घर पे मिलते हैं आपसे। लो घर पहुंचते, मम्मी कर रही है वर्कआउट, मैं रनिंग कराए, मेरे पसीने आए हुए हैं, और अभी पी लेते हैं पानी भाई गर्म करके थोड़ा। हाँ मम्मी, जुकाम ठीक ना आ रहा? दवाई लेके थे, देखो पसीने हल्की रनिंग करके आए हुआ सिर्फ और सिर्फ, और पसीने फिर भी आ गए कोट के कारण। और ये देख लो मम्मी पीछे से मार रही है, हल्लू खल्लू कर रही है सुबह सुबह। तू भी कर लिया अगर कुछ, दो दो हाथे ला लिया करे। अरे ये देखो भाई आज पालक की सब्जी बनेगी, पालक आ चुकी है घर पे। अभी उठी है, टाइम दिखाऊं आपको मैं, 7:47 हो चुके हैं। एक चीज और दिखाऊं आपको मैं, कल देखो इस बाइक पे मैं पानी लेने गया था शाम को, अंधेरा हो चुका था। और ये देखो बताना भाई क्या हो गया, इसके वॉल वॉल में दिक्कत है शायद इसके, आज दिखा के लाऊंगा इसको मैं। चलो अभी हम भी दूध ले आते हैं। लो भाई दूध ले लिया, दूध लिया इसमें, और ये सरकारी स्कूल में चल रही है प्रार्थना, अभी आपको आवाज़ आ रही होगी। और एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, ये देखो सूरज, नहीं तो बादल है ना ही धुंध है, लेकिन आज सूरज भी बहुत मतलब सूरज भी आज बहुत लेट आया, इसका कारण बताऊंगा मैं आपको। सो बैक टू होम गाइज, अभी बात करते हैं पोल्यूशन के बारे में, ये इतना पोल्यूशन क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। लास्ट 2 और 3 दिन से बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। पहले आप ये फोटो देखिए, जो कि मैंने 3 दिन पहले सुबह 7 बजे ली, और जो अब आपको स्क्रीन पे फोटो दिख रही है ये लिए मैंने आज सुबह 8 बजे, तो इन फोटो में डिफरेंस देख लीजिए आप, सन का कितना डिफरेंस है। ये सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन के कारण है। और अभी हमारे एरिया में AQI जो कि 461 पार हो चुका है। नाउ व्हाट इज AQI? AQI होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर की क्वालिटी के बारे में पता चलता है कैसी एयर की क्वालिटी है। AQI के इंडेक्स होता है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये भी सिर्फ और सिर्फ 6 टाइप का होता है। ये दिन मतलब दिवाली के बाद ये हमेशा की तरह महरून जो कि सबसे डेंजरस होता है, और वो 300 से अबव होता है। ये जो लेवल स्टार्टिंग होती है ये दिवाली के बाद बाद होती है, क्योंकि इसके कारण बहुत ज्यादा वही। अभी कुछ दिन पहले दिवाली का त्योहार गया है, और दिवाली पे आप लोगों ने मौज कर दी, इतने पटाखे छुटाए गए कि अब की बार पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। आमतौर पे 461 तक बिल्कुल नहीं जाता था हमारे एरिया का, दिल्ली गुरुग्राम जैसे बड़े शहरों का ये इंडेक्स 470 से ऊपर जा चुका है, जहाँ पे बड़े सिटीजन अस्थमा पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स, ओल्ड सिटीजन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है ये। नोएडा के कल से स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं, उनकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है। जब तक ये पॉल्यूशन रहेगा उस टाइम तक स्कूल बंद रहेंगे और ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट रहेंगी। और अब बात करते हैं ये होता क्यों है। जैसे कि दिल्ली गुड़गांव जैसे बड़े शहर में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो बिना जो कि जोरों शोरों से चल रही हैं, उनसे निकलता हुआ धुआं जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। दूसरी बात करते हैं ट्रैफिक, दिल्ली और गुरुग्राम में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, इसके कारण वहां पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और अब बात करते हैं हमारे एरिया की, हमारा एरिया हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, ये 4 एरिया जिनमें धान बोए जाते हैं, धान मीन चावल बोए जाते हैं, वहाँ पे उनकी पराली को जलाया जाता है, ये भी एक मेन कारण होता है, इसको थोड़ा कंट्रोल में लेना पड़ेगा, तो जिसके कारण पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन से बचा भी जा सकता है, एक तो मतलब पटाखों का बहुत कम प्रयोग कर दो आप, मतलब पटाखे तो ना के मात्र यूज करो, हाँ मतलब एक आधे बार हो जाए चलो कोई नहीं, उसकी तो हम कुछ बोलते नहीं। और इलेक्ट्रिक और सोलर पावर पे आप ज्यादा स्विच करो, और इलेक्ट्रिक की बात आती है
तो अभी बात कर लेते हैं हमारी, क्योंकि हमने आपको पता होगा हमने इलेक्ट्रिक स्कूटर का बिजनेस स्टार्ट किया है जो कि कितलाना में, और हमारे लोकल्स जो भी हैं वो वहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। एजेंसी का नाम आ रहा होगा स्क्रीन पे जो कि बालाजी इंटरप्राइजेज है, तो वहाँ पे मेरे चाचा मनदीप और चाचा अमित मिलेंगे, तो उनसे जाके आप स्कूटी ले सकते हैं और हमारा रेफरेंस यूज करते हो तो आप। लो भाई थोड़ी बार फ्री हुए थे घर पे और घर वालों ने बता दिया काम घी लेके आना है और बाइक लेके जाना है। ये रही बाइक भाई, इसमें पहले तो डलवाएंगे फ्यूल और फिर जाएंगे मानकावास। आप लोगों को ये बाइक तो याद होगी जो जिसको मैं संडे राइड पे लेके जाता था, और एक जने को और देखता हूँ कौन जाएगा साथ में। ये भाई मान का आवास पहुंच गए भाई, जिस लोकेशन पे बताया था वहीं खड़े हैं, और ये रास्ता जाता है डॉकी, और अभी कर रहे हैं वेट विकास की, वो आएगा और उसके साथ जाएंगे फिर घी लेके फिर घर पे जाएंगे। और मेरे साथ एक बंदा आया हो उसको है बहुत ज्यादा काम, और वो वीडियो में नहीं आएगा, वीडियो में नहीं आना। हाँ आवाज तो पिछाड़ दी होगी आपने। ये घी ले लिया भाई और अब चलते हैं डायरेक्ट अपने घर पे, और फिर शायद अब शायद दो तीन काम हो रहे हैं वो और करेंगे। एक तो बाइक के पंचर लगवा के लाना है सारा मेन काम। और ये देख लो लास्ट टाइम यहाँ पे मेला भरा था ना, याद होगा आपको, यहाँ पे आए हुए हैं घर पे वापस आ गए भाई। और अब सब्जी बना बने मम्मी, अभी पलक पलक घेरनी है, साग बना दिया। अपनी बाइक इसलिए नहीं लेके गए क्योंकि भाई पंचर हो चुकी है, देख लो। चलो घी रख देते हैं अभी। सेब खराब है, ये देख लो भाई ये सेब लेके आए थे, मैक्सिमम सेब ऐसे निकल रहे हैं। अरब की वर्जमन भी बने जब दिखाऊंगा उसको ये वीडियो में, और मैं उसको बोल के आया था। हाँ और आप खा रहे हैं खाना, मम्मी ने बनाई है आलू और पालक की सब्जी, ये टिंडे का चार, और वो बिल्ली देखो पूरा आ जा पूरा आजा आजा ले आजा। आइए पहले इसको रोटी खिलाएंगे, इसको भूख लगी हुई बेचारी को, ये सारे दिन खाती पीती रहती है फिर भी पतली होती जा रही, पता नहीं भाई इसने हमारे घर छोड़ के गलती की क्या है इसने। चार बच्चे हैं इसके, चारों दूध पीते हैं बेचारी अकेली। चलो खाना खा लेते हैं भाई।